नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, प्रो बॉक्सर विमल चंद्र पुनेरा, जिसके बारे में मैं एक बार पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा किस तरह विमल जो है वो 6 सेकंड में दूसरे अपोनेंट को नॉकआउट कर देते हैं। तो वो करीब 7 महीने पहले की बात है, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो वीडियो हमने बनाया था विमल का, वो मैं यहाँ दे रहा हूँ लिंक, आप उसे जरूर देखिए। बिकॉज विमल के बहाने एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और वो एक्सपेरिमेंट है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का। विमल जो खेल खेलते हैं, जो असल में खेल खेलते हैं बॉक्सिंग के रिंग के अंदर, जहाँ पर कि वो अपने ओपोनेंट को धराशायी करते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए उनको फिजिकल पावर की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए मेंटल पावर की भी ज़रूरत है, उसका भी वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो असली जो खेल है वो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का। तो विमल जो है त्राटक का नियमित अभ्यास करते हैं और उन्होंने अपनी विजुअलाइजिंग पावर को बहुत बढ़ा लिया है, और ये विजुअलाइजेशन, जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है विमल का, यही कहीं ना कहीं इनको बहुत जल्दी विद इन अ ईयर और सो ये उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। इसकी घोषणा हम पहले कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप जो उसको कामयाबियां मिल रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, सो दैट कि आप उसकी यात्रा को विटनेस कर सको और आपको ये समझ में आए। असल में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की पावर्स को पर भरोसा नहीं करता जब तक कि उसे खुद से वो देखने को ना मिले। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह विमल इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। आप आज विमल से हम बातचीत करेंगे। तो विमल, आपका माइंड फिट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार। और आपके जो सीने पर ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट मुझे दे दे सांभा, बड़ी चमक रही है भाई, ये सोने की बनी है, क्या है ये? सोने से कोटेड है ये। ओके, ग्रेट, बहुत महंगी लग रही है, कितने की आती है ये बेल्ट? ये पसीने, पूरे पसीने से बनी हुई है। ये अच्छा जवाब है। ओके, तो ये बेल्ट आप अभी रिसेंटली, आपने आपका कुछ दिनों पहले एशियन चैंपियनशिप के लिए फाइट हुआ और आप एशिया के इस वक्त आईबीए प्रो बॉक्सिंग के चैंपियन हैं, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है आप, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार इंडिया से जो है आज तक किसी को ये मौका नहीं मिला और मुझे ये मौका मिला, तो मैंने इसको जो है सच में तब्दील कर दिया। आपका उत्तराखंड में बहुत आजकल नाम चल रहा है, जहां देखो लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने ये फाइट लड़ी है, उत्तराखंड ने एक से एक बढ़कर एक बॉक्सर पैदा किए हैं। मैं स्वयं हरि सिंह थापा जी को जानता हूँ, जो कि मेरे पिताजी की उम्र के थे और उनके साथ ही रहे, और कुछ समय पहले जिनका निधन हुआ है, उनका बेटा भी मेरा क्लास फेलो है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एशिया के चैंपियन थे और जब वो अपना एक बॉक्सिंग मारते थे तो जैसे जो बैल होता है, जो सांड होता है, उसको एक बॉक्सिंग में उन्होंने गिराया हुआ है, इतनी उनमें पावर थी। तो आजकल आपके चर्चे बहुत हैं और जिस तरीके से आपने 10 सेकंड में अपने अपोनेंट को गिरा दिया, ऐसा क्या किया आपने कि वो 10 सेकंड में धराशायी हो गया? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कैप्टन हरि सिंह था, जब इंडिया जो है आजाद हुआ, भारतवर्ष जब आजाद हुआ, तो उसके आजाद होने के बाद के जब वो बीजी में थे, बंगाल इंजीनियर ग्रुप में, तो भारत के पहले नेशनल प्लेयर थे जिन्होंने 10 बार जो है नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता, और प्लस जब एशियाई खेलों में जो है बॉक्सिंग को रखा गया सर्वप्रथम, तो उसमें भी कैप्टन हरि सिंह थापा ही जो है भारत के लिए पहला मेडल लेके आए थे, वो था सिल्वर मेडल। वाह। और रही बात मेरी, तो शुरुआती दिनों में जो है हरि सिंह थापा जी और दूसरे हमारे एशिया चैंपियन थे राजेंद्र पुनेरा जी, वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। जब तक मैं पिथौरागढ़ में ट्रेनिंग करता था तो मैं जाता था उनसे मिलने, और काफी सरल स्वभाव के और बहुत जबरदस्त कदकाठी थी उनकी। तो ये भी संयोग है कि आप भी पुनेरा हैं और वो भी पुनेरा थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है सब लोग, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि
70% आई थिंक जनता जो है इंडियन आर्मी में कार्यरत है और सबसे ज्यादा जवान देने वाला जो है राज्य भी है उत्तराखंड। तो आर्मी के थ्रू से भी पहले लोग सभी बॉक्सिंग खेला करते थे। जब वो घर आते थे तो देव सिंह मैदान में मैं भी जाता था, तो वहीं से इंटरेस्ट एक जाग गया कि मुझे भी बॉक्सिंग खेलना है और कुछ बनना है। तो मैं इससे पहले कि आपसे बातचीत और आगे बढ़ाऊं, पहले एक बार हम अपने दर्शकों को आपकी वो फाइट का एक छोटा सा नमूना वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने वो फाइट लड़ी और किस तरह से आपने अपने ओपोनेंट को दिखाया, धराशायी किया। क्योंकि जब तक लोग देख न लें अपनी आंखों से तो बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते, उन्हें लगता है कि यार ये जो है ये वास्तविकता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि इतना कमजोर कद काठी का जो दिखने में इतना ऐसा बहुत बलशाली नहीं दिख रहा, उसके अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है। असल में तो शक्ति को तो लोग फिर भी महसूस नहीं कर पाएंगे, आपकी शक्ति को तो उस अपोनेंट ने महसूस किया होगा जो कि चौथे आपके पंच नहीं मारा था, आपने मेरे ख्याल से अपरकट मारा था। हाँ, आपके अपरकट के बाद वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने रेफरी से कहा कि अब मैं फाइट नहीं कर सकता। और इस तरह आपने पिछली बार जब आपने जो 7 महीने पहले जो फाइट किया था उसमें 6 सेकंड में नॉकआउट किया था, इस बार आपने 10 सेकंड में नॉकआउट किया। तो वो जो आपकी शक्ति है उसको हम एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए, ये रही विमल की वो फाइट और ये वो 10 सेकंड के जो हमको वीडियो मिला है जिसमें कि थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा, पर ये देखिए किस तरह विमल आगे बढ़े हैं अपने प्रतिद्वंदी की तरफ, और ये देखिए कैसे उन्होंने बाया मारा है, और ये दायना देखिए, और ये अपर कट देखिए। बस यहाँ देखिए घुटने टेक लिए अपने ने अपोनेंट ने और यहीं से उन्होंने कह दिया कि अब वो लड़ नहीं सकते। तो विमल, इस तरह कैसे आप भाई नॉकआउट कर देते हो, क्या है, क्या करते हो आप? सबसे पहले तो मैं माइंड फिट चैनल का जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज से 2 साल पहले मैं जब आपसे मिला था अंकल, तो पावर तो तब भी थी लेकिन पावर को जो है एक दिशा में डाल करके जो है अभ्यास करना मुझे उसमें नहीं आता था। आपके दिशा निर्देशानुसार जो है मैंने त्राटक और विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। तो विजुअलाइजेशन करते करते फिर मैंने वीडियोस देखी कि कई लोगों ने जो है इसको सार्थक सिद्ध किया है। उसके बाद जो है मैंने अपने ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सी वीडियोस तो देख चुका था, अब बारी थी कि अपने ऊपर जो है इसको आजमाने की। तो करीबन मैं 2 साल से इसको अपने ऊपर आजमा रहा था और फिर उसके बाद एक के ऊपर एक टायर रख करके उसको मारता था। तो आप मेरी ये वीडियो को भी देखेंगे तो लास्ट वाला जो हिस्सा है आप उसमें देखेंगे कि जब राइट अपर कट मारा तो अपोनेंट जो है खिसक करके 6 इंच पीछे चला गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये टायर ही है। ओहो, आपका वो टायर वाला वीडियो तो वाकई बहुत कमाल का है। मैंने ऐसा कोई और बॉक्सर को इस तरह से टायर गिराते हुए नहीं देखा है। वाकई बहुत शक्ति चाहिए। असल में शक्ति उतनी ज्यादा नहीं चाहिए जितना आपका ठीक टाइम पर मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम इम्पैक्ट जो आप क्रिएट करते हैं, जो कि मार्शल आर्ट में भी सिखाया जाता है। किस तरह आप जिस समय पॉइंट ऑफ टच आता है, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, उस वक्त आप मैक्सिमम एनर्जी के साथ उसको कीजिए, तब आपको रिजल्ट मिलता है, तभी आप टायर गिरा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रतिद्वंदी को जब मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलता होगा तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि हमने अब आपके पंचेज और अपरकट खाए नहीं है इसलिए हमें इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आपके अपोनेंट्स को जरूर इसका आइडिया होगा। त्राटक की सहायता से जो है जब से मैंने त्राटक करना शुरू किया तो सर्वप्रथम मैंने बिंदु पे फोकस करना शुरू किया, छोटा सा डॉट। तो ऐसे ही मैं जब रिंग में उतरता हूँ तो अपोनेंट के भी मुझे शरीर में डॉट्स दिखाई देते हैं। जैसे पेट में मार रहा है तो 100 नंबर मिलेंगे, सर पे मारेंगे तो 90, और क्या नाम बोलते हैं उसकी चेस्ट में मारेंगे तो 80। तो ऐसे मैं मार्क्स को देखता हूँ, अपने सामने देख पाता हूँ, तो 100 मार्क्स जिधर मेरे को ज्यादा मिलते हैं उधर ही ज्यादा निशाना लगाने की कोशिश करता हूँ। पेट में 100 मार्क्स हैं तो इसलिए मैं उसको ही ज्यादा प्राथमिकता देना पसंद करता हूँ। क्या बात है विमल, मैंने आपकी कम से कम 3-4 फाइट देख चुका हूँ। मैं एक फाइट तो मैं लाइव देख चुका हूँ और बाकी मैंने आपकी वीडियो देखी है, और ये मेरे को देख के बहुत खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो मूल के रहने वाले जो राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वो आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये इससे मेरे ख्याल से आपको बहुत ताकत मिल रही होगी।
और उत्तराखंड के अभी नए मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हमें अपेक्षा है कि वो आपको आगे बढ़कर सपोर्ट करेंगे, सो दैट कि आप अपनी जरूरतों का ख्याल कर सकें। मुझे मालूम है कि दो साल में आपने किस कितने संघर्ष के साथ अपनी इस जो बॉक्सिंग में जो आपका जो मकाम है इसको पाने की कोशिश की है आपने। आपकी जगह शायद कोई और होता तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये झूठ नहीं है कि आपने चार चार पाँच पाँच हज़ार महीने रुपये महीने में काम किया है, आपने दो दो हज़ार रुपये से आपने अपना काम चलाया, आपने रात को दाल खा के क्या बोलते हैं अपनी मसल्स को मेंटेन करने की कोशिश की है, और उसके बाद भी आपने ऐसा रिजल्ट दिया है, तो आपकी जो मेंटल जो पावर है, आपकी जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, उसको सलाम किया जाना चाहिए। लेकिन आप क्या हमें हमारे रीडर्स को बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को, कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कैसे बनी है? मतलब तो मैं इस चीज में बिल्कुल, जैसे पुरातन काल में मैंने महर्षि पतंजलि की भी कई किताबें पढ़ी, तो उस समय जो साधु लोग, हम भी एक साधु की तरह ही हैं, तो साधु लोग जो है पुरातन काल में बिना खाते खाए तपस्या करते थे 12-12, 13-13 साल। तो मुझे इससे भी शिकायत नहीं है कि मुझे खाना नहीं मिला, लेकिन मेरा जो फोकस था अपने एकदम गोल पे, टारगेट पे फिक्स था, चाहे मुझे खाना मिले या ना मिले। तो एक मैंने मार्टिन लूथर किंग का एक एपिसोड भी पढ़ा था कि आपको लक्ष्य तक हर हाल में पहुंचना है, आप खड़े हो तो आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकेंगे, नहीं भी रेंग सकते हैं, तो आपको किसी तरीके से जो है अपना गोल हासिल करना है। अगर मैं बीच में लगता कि मुझे खाना मिल रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा है, तो ये सब एक बहाने हैं। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अटकलें जो है आपने की है, बट एक आपका दृढ़ निश्चय उन हजार अटकलों को दूर करने के काफी होता है। जो लोग बहानेबाज हैं, जो लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, तो उनके पास हजार ऐसी वजह रहती हैं, ऐसी वजह रहती है जिससे वो हटे, तो वो एक हटने की वजह में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो पॉजिटिवनेस जैसा मुझे माइंडफिट चैनल के द्वारा मिला, आपके द्वारा मिला, तो मैं उससे जो है काफी संतुष्ट हूँ, और इसी तरीके से मैं आगे भी पढ़ता रहूंगा। विमल, लेकिन ये बड़ा कई बार सोचने पर लगता है कि मानसिक शक्ति से आदमी क्या क्या कर सकता है। देखिए, हमें आपकी कहानी पता है, आपने बचपन में ही आपने पिता को खो दिया और उस तरह से पारिवारिक सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से फाइट बैक किया है, और खासकर जो मैंने दो साल में जर्नी देखी है आपकी, आप एक तरह से योगी बन गए हैं। आप मानसिक रूप से एक योगी की शक्ति आपके भीतर आ गई है, क्योंकि आप बहुत लंबा शायद मेडिटेशन का भी अभ्यास करते हैं, आप त्राटक का भी अभ्यास करते हैं, तो उससे क्या वाकई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, विजुअलाइजेशन से, त्राटक से, मेडिटेशन से आदमी के जीवन में जो है बहुत सारा फर्क पड़ता है। जैसे बताया गया था कि एक दिन में जो है आदमी के दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं, तो मैं स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ते रहता हूँ, तो वो यही कहते हैं कि जिस दिन आपके दिमाग में जो है वो 60,000 थॉट बदल के 6,000 हो जाएंगे पर डे, उस दिन आप सफलताओं को चूमने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में जितना कम डिस्टर्बेंस होगा, उतना ही ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये सब माइंड्स की ही पावर है। शरीर जो है आई थिंक बिना खाए पिए भी 4-5 दिन तक काम कर सकता है। आपने कई ऐसे भारतीय सेना में भी देखे होंगे कि जो लोग 3 दिन तक ना खाए ना पिए युद्ध जीत करके आए, और कई को उन्होंने सफलता हासिल की है। तो मैं विजुअलाइजेशन पे पूरा यकीन करता हूँ। एक हमारे एक फेमस फाइटर हैं जिनका नाम है कॉर्नर मैकग्रेगर, लास्ट टाइम वो फ्लॉयड मेवेदर से लड़े हुए थे, हार गए, लेकिन कोई बात नहीं। उनका कहना ये है कि जब वो अपने होम टाउन ऑस्ट्रिया में थे, तो वहां से अमेरिका जाने के लिए वो केवल विजुअलाइज करते थे। वो ऐसा विजुअलाइज करते थे कि मैं 50,000-30,000 लोगों के बीच में खेल रहा हूँ और अपने प्रतिद्वंदी को जो है नॉकआउट कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि एक जो नॉर्मल आदमी है, अगर आप उनको 50,000 लोगों के बीच में रिंग में डाल दें, तो वो आदमी खेल ही नहीं सकता, उसके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो है उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा उस टाइम, और वो खेलने से मतलब नहीं खेल पाएंगे, वैसे परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। तो उन्होंने ये बताया कि विजुअलाइज करने के बाद
क्योंकि वो हजारों टाइम वैसा विजुअलाइज कर रहे थे, तो उसके बाद जो जब रिंग में गए, पूरा एंट्रेंस उन्होंने दिया और क्राउड को देखा, तो उनको ज्यादा कोई दिमाग मतलब नर्वसनेस हुआ नहीं, क्योंकि उनके दिमाग को ऑलरेडी मालूम है कि ये सब हो रहा है उनके साथ ऑटोमेटिकली। ओ समझ गया। तो एक्चुअली खेल तो मुझे भी पता है विमल की, खेल क्या है ये कि जब आप विजुअलाइज करते हो तो जो चीज भविष्य में होने वाली है उसको आप इस वक्त होते हुए देखते हो, तो ऐसी उसकी वजह से ऐसी एनर्जी पैदा होती है कि वो जो घटना भविष्य में होने वाली है वो आपकी ओर खींच के चली आती है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो यात्रा है विमल की, ये 2 साल पहले शुरू हुई थी और विमल ने ये अपने माइंड में ये विजुअलाइज किया था कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है, और उसके बाद उसके आचार व्यवहार में वो वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही उसने जीना शुरू किया, और वो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड वो जो एक सबकॉन्शियस माइंड है वहां उसने मैसेज भेजा कि मैं एक वर्ल्ड चैंपियन हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता चाहे स्थितियां कैसी भी हों। यही आपकी शायद ताकत बना और यही हम दिखाना भी चाहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है ये कि क्या आदमी इतना स्ट्रांगली अगर अपने सबकॉन्शियस को मैसेज भेजता है तो क्या सबकॉन्शियस उस चीज को हकीकत में बदलता है। तो आपकी यात्रा जो है, आप अभी एशिया टाइटल हो गए, आप आगे की यात्रा का थोड़ा हमें बता सकते हैं कि, और जो 2 साल का सफर है आपका ये, इसके बारे में बताइए और कैसे देखते हैं कि आप अपनी यात्रा को और आगे कैसे देखते हैं यात्रा को। मेरा तो जो है जब से मैं आपसे मिला और माइंड फिट चैनल को ही मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, उससे पहले भी मैं मेहनत करते रहता था लेकिन एक फोकस जो है जिसकी जरूरत होती है, तो मुझे आपसे मिलने के बाद और माइंड फिट चैनल से मुझे ये फोकस की जानकारी मिली कि आप एक जगह पे कैसे फोकस कर सकते हैं। तो मैं सुबह से लेकर के 7-8 घंटे जो है करीबन मैंने इस लॉकडाउन में 600 लीटर से ज्यादा पसीना जो है बहाया होगा, एक दिन में 2-2 लीटर 4-4 लीटर में निकाल के फेंकता था पसीना। तो इस तरीके से जो है पूरा लॉकडाउन बीता, मुझे कुछ संडे मंडे का बारा इसकी भी कुछ जानकारी नहीं होती थी, मैं एक अपना रूम और प्रैक्टिस ग्राउंड पे या फिर पंचिंग बैग के सिवाय लोगों को भी मैं भूल गया था, काफी शिकायतें भी आती थी लोगों की कि भाई फोन नहीं कर रहा है, फोन नहीं उठाता है, भूल गया है। तो मैं उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अपने टारगेट की ओर पूरा फोकस करके आगे बढ़ा और जिसका परिणाम ही ये आज मेरे सीने में टंगा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। आप अपनी आगे की यात्रा के बारे में बताएं। ये देखिए किसी भी स्पोर्ट्समैन से ये कई बार लोग इसको क्या बोलते हैं, गरूर बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है कि आप कोई काम को चुपचाप पहले करो उसके बाद बोलो, बट मुझे लगता है कि हम आप इससे सब ऊपर हैं। आपने जो असल में जो विजुअलाइज किया आपने वर्ल्ड चैंपियन होने के बारे में, उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह आपको दिखता है कि आपकी आगे की यात्रा रहने वाली है। मैं तो इसी पे बिलीव करता हूँ कि जितने भी अपना मनुष्य हैं, मीन्स किसी भी स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि उनके पास भी एक दिमाग है, 2 हाथ 2 पांव, जैसा हम हैं वैसे दूसरे लोग भी हैं, लेकिन अंतर लोगों का अंतर इतना ही होता है कि वो कई लोग दिमागी रूप से कमजोर होते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और दिमागी रूप से स्ट्रांग होना तो अच्छी बात है लेकिन दिमागी रूप से स्ट्रांग होना केवल 70% है मैं ऐसा मानता हूँ, और 30% आपको फिजिकली भी फिट रहना बहुत जरूरी है। तो माइकल फेल्स का मैंने कई एक बार इंटरव्यू पढ़ा और बहुत से खिलाड़ियों का पढ़ा, वो इसीलिए जोर, माइकल फेल्स का जो है लास्ट ओलंपिक जाने से पहले डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कि आप जो है अपना हाथ पानी में मत डालिए, आपका हाथ जो है खराब हो जाएगा। तो माइकल फेल्स ने उस हाथ में जो है कागज की पन्नियां चढ़ा करके उन्होंने हाथ से तैरना छोड़ करके किक को ज्यादा वरीयता दी, और उस ओलंपिक में वो 6 मेडल गोल्ड मेडल जीते थे, और जो लास्ट वाली उनकी रिले थी 100 मीटर की, उसमें वो 0.01 सेकेंड से केवल अपने पाँव की बदौलत जो है सफल हो पाए थे। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, अपना एक नेथन सारांस्की थे जिन्होंने 10 साल जेल में बिताए और 10 साल में करीबन हर दिन 12-13 बार विजुअलाइज करते थे कि अपने अपोनेंट को हरा रहे हैं। उनका अपोनेंट था गैरी कास्परोव जो कि 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन था। तो जब गैरी कास्परोव इवेंट के लिए इसराइल गए तो नेथन सारांस्की ने उनकी 10 मिनट में छुट्टी कर दी, तो
जब रिपोर्टर्स नेथन सारांस्की से पूछने लगे कि भाई आपने ऐसा कैसे कर दिया, आप तो किसी ग्रैंड मास्टर भी नहीं है चेस के, ना आपने पहले खेला है, तो उन्होंने बोला कि जेल में मैं इनको 12-13 बार हराया करता था, तो वो दिमाग में मेरे फिट था। जब आपने कहानी पहले भी बताई थी, तो आप बताइए कि आप क्या ऐसा विजुअलाइज करते हैं, सीक्रेट क्या है, किस चीज को आप कोई ऐसे एक काल्पनिक अपोनेंट को ऐसा देखते हैं कि कोई रिंग है जहां पर कि चारों ओर से, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्रो बॉक्सिंग के जो फाइनल्स होते हैं जो टीवी में हमने देखे हैं, तो चारों ओर भीड़ है, हल्ला हो रहा है, कमेंटेटर बहुत जोश में बातें कर रहा है, और रिंग में आप हो, और किस तरह आपने कपड़े पहने हुए, कैसे ग्लव्स पहने हुए हैं, और कैसे रेफरी आपको बोलता है कि फाइट, और फिर आप कैसे आप उसकी तरफ बढ़ते हो, क्या इस तरह से विजुअलाइज करते हैं आप? हाँ, रात को सोने से पहले मैं इस तरीके से विजुअलाइज करता हूँ। जैसे इवेंट क्लोज होता है तो मैं करीबन दिन में 40-50 बार आंख बंद करके 2-2 मिनट का ऐसा विजुअलाइजेशन कर लेता हूँ। और तीसरा थोड़ा मेरा अलग तरीके का डायरेक्शन है, तो जब मैं पंचिंग बैग पे होता हूँ तो पूरा पसीना जो है पंचिंग बैग में चला जाता है, तो मेरी शक्ल है उस पंचिंग बैग में, ऐसा लगता है कि आयना है, मेरी शक्ल जो दिखती है मैं उसको प्रतिद्वंदी मानता हूँ। क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है कि अगर आप अपने आप को हरा सकते हैं तो क्या नाम बोलते हैं, अपने आप को अगर आप काबू में रख सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, तो उस वजह से मेरे को अपोनेंट भी मिल जाता है पंचिंग बैग में, पसीने से जो है आईना बन जाता है। वाह, तो ये बताया, पहले हम अपने दर्शकों को आपकी वो पुरानी वाली फाइट भी दिखाना चाहते हैं जिसमें आपने 6 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था, तो ये देखिए पुरानी उसका जो वीडियो है ये हमारे पास उपलब्ध है। पिछले वाले अगर आप चाहते हैं कि 7 महीने पहले विमल ने क्या बातें की थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हम लिंक डाल रहे हैं पुराने वीडियो का, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं, उनकी तब की जो बातें थी और आज की बातें तो खैर आप सुन ही रहे हैं, और आगे जब ये वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो माइंड फिट प्रॉमिस करता है कि आपको तब भी हम एक इनका इंटरव्यू जरूर करेंगे, या इसके बाद जो कोई भी बड़ा टाइटल ये जीतते हैं तो भी हम इसका इनका इंटरव्यू करेंगे। तो ये देखिए किस तरह उन्होंने ये फाइट लड़ी थी और किस तरह से अपने अपोनेंट को उन्होंने जमीन पर गिराया था, ये देखिए आप, इसको देख के ही जोश आ जाता है। खेल कैसा भी हो लेकिन उसमें जब कभी आपको कोई ऐसा खिलाड़ी मिलता है जो इतनी कुशलता से अपने अपोनेंट पर विजय प्राप्त करता है, तो वही सबसे श्रेष्ठ चीज़ होती है देखने के लिए, वही हमें इंस्पायर करता है। तो विमल, आपकी जर्नी को लेके सभी लोग, अब तो माइंड फिट के जितने दर्शक हैं सभी आपकी जर्नी को जान गए हैं, और हम लोग आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपका जो लक्ष्य है कि वर्ल्ड चैंपियन बनना प्रो बॉक्सिंग में, आप जल्दी उस मुकाम तक पहुँचें, और आपके लिए माइंड फिट की ओर से हमेशा आपको सपोर्ट माइंड फिट ने किया है। आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, कोई सीक्रेट जिसकी वजह से कि बहुत सारे यंग लड़के, यंग लोग हमारा चैनल देखते हैं, वो कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कुछ आप उनको एक मंत्र देना चाहते हैं क्या अपनी ओर से? देखिए आजकल जो है यूथ, जो है यूथ मीन्स युवा लोग, जिसको कि किसी कंट्री की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी, तो मैं बहुत से युवाओं को देख रहा हूँ कि नशे की आदत उन पे लग चुकी है, रात रात को 12-12-1 बजे घूमते हैं, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, तो मैं उनको सबसे पहले तो एक अपने ओर से सजेशन देना चाहूँगा कि आप नियमित एक अपनी दिनचर्या बना लीजिए जिससे कि आप सही टाइम पे सो जाएं, सही टाइम पे उठ जाएं। देखिए हम लोग कहीं ना कहीं इसीलिए पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को जो है एडॉप्ट कर रहे हैं, और वेस्टर्न वाले लोग जो है हमारी भारतीय सभ्यता को एडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे हो रहे हैं। तो मेरा यही उनसे एक संदेश होगा कि आपको एक नशा बनाना है, सिगरेट पी के वो धुआं अंदर लेके ये कोई नशा नहीं है, आप किताब पढ़ने का नशा बनाइए, खेलों का नशा बनाइए, आप जिस किसी चीज को भी करते हैं तो अपनी कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक दिन आउटसाइड ऑफ इंडिया, और या फिर अपने कंट्री के फ्लैग को सबसे शीर्ष पे लेके जाऊंगा। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे और एक लक्ष्य बना लेंगे, और दूसरा चीज मैं क्या बोलता हूँ कि लोग जो है भक्ति भाव आराधना और काफी विश्वास रखते हैं, तो दूसरा चीज मेरा उनको कहना ये है कि आप भगवान कृष्ण हैं या कोई भी भगवान है हमारे,
अपना एक लग कागज के टुकड़े में लिख करके उनकी फोटो में कहीं चिपका दें। तो आप जब सुबह भजन गाने की जगह अपना लक्ष्य को देख करके अगर आप अभ्यास करना शुरू कर दें तो भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद तो रहेगा ही और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। विमल, जब आप ये बता रहे थे कि आप अपने ईश्वर की तस्वीर आप लगा के उस पर लक्ष्य लिख के रोज सुबह उसकी आराधना करें, तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कहा यार ये लड़का देखो, इसको आप जब समर्पण, इस तरह के समर्पण के भाव से जब आप कोई कार्य करते हैं तो सफलता आपकी ओर दौड़ के आती है। जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु बना के जंगल में अभ्यास शुरू किया अकेले, तो वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बन गए। आपने लगभग वही बात बता दी, लगभग वही आप भी कर रहे हैं। तो चाहे आप श्री कृष्ण को की तस्वीर पर लिखिए, चाहे आप आदि शिव, आदि योगी शिव की तस्वीर बनाइए, चाहे आप अपने उस आइडोल की तस्वीर बनाइए जिसको आप फॉलो करते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई क्रिकेट खेलता है तो सचिन तेंदुलकर की तस्वीर रख सकता है, लेकिन वाकई इससे बहुत फर्क पड़ता है। और खासकर सुबह अगर आप उनको याद करके, क्योंकि वो आपकी माइंड में इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं और सारा खेल ही पॉजिटिव एनर्जी का है, नहीं तो विमल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इतनी सारी बातें आपसे की जा सकती हैं, लेकिन हम समय समय पर आपसे बात करते रहेंगे और अपने युवा दर्शकों को हम एक चीज जी कुछ बोलना चाहते हैं आप। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण का जो है एक बहुत अच्छा क्यूट है जी। कि वो कहते हैं कि एक्शन इज थाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज माय कंसर्न, कि काम करना आपका काम है और फल देना मेरा। तो आप फल की चिंता किए हुए अपने कार्य को जो है प्रगति पे लगे रहे, तो फल आपको 100% मिलेगा। तो आपकी इसी बात से हम आज की इंटरव्यू को खत्म करते हैं कि आप सिर्फ काम पर ध्यान दें, काम को पूरे मन से करें, काम को पूरी एनर्जी से करें और काम में पूरा समर्पण रखें और फल की चिंता मत करें। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने जो कहा है। असल में ये कोई भी योगी जो कि संसार को जान चुका है वो यही बात कहेगा। और आप करके देखिए, इसमें लाइन तो ये आती है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप वाकई उस डेडिकेशन से कर्म करेंगे, फल मिलना 100% निश्चित है। तो हम सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं और विमल सभी की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्दी अपने वर्ल्ड प्रो बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करें और तब हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। उससे पहले अगर आपने कोई बड़ा टाइटल लिया तब भी हम आपसे बात करेंगे, आपकी यात्रा के हम गवाह बनेंगे, विटनेस बनेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।